मिल रन रहीकम वेलकम टू यून एस वी एन मैथ एट दिस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट एंड सोर्स फॉर योर प्रिपरेशन आज की इस वीडियो में हम लेक्चरार फिज़िकल एजुकेशन का पेपर जो कि ट्वेंटी नाइन्थ मई दो हज़ार बाईस को हेल्ड हुआ है इसके तमाम क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने जा रहे हैं इन तमाम के आंसर जो हैं वेरीफाइड हैं फिर भी एरर्स एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेबल आप अपनी राय जो है वो कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं और इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं किए गए वो आप कमेंट में डिस्कस कीजिएगा इनशाला उनके सोल्यूशन भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में ही बता दिए जाएंगे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन uh, कुछ ऐसे था नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टेबरल कॉलम वर्टिबल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं इसका राइट right आंसर है थर्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन था फीमेल फोक्स इज कॉल्ड फीमेल फोक्स को क्या कहा जाता है इसका राइट right आंसर है वाइक्सन जो मेल फोक्स हैं मेल फोक्स आर नाउन एज डॉग्स टोर्स आर डेनर्ड्स और जो फीमेल होती हैं उसको विकसन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोन्स वीक एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज फ्रैक्चर ड्यू टू विच विटामिन इसका राइट right आंसर था विटामिन डी द मोस्ट कॉमन काज इज नॉट हैविंग विटामिन डी यानी कि बोन जो फ्रैक्चर हो जाती हैं वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉयर ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर जो है और लॉयर भी है उसका क्या नाम है इसका राइट right आंसर है निशा राव निशा राव इज अ पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर लॉयर एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट इन 2020 शी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉ ग्रेजुएट इन पाकिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पार्को गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट एस्ट्रोनॉट स्पार्को पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो अपना फर्स्ट एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट है ये कब लेके जा रही है खिलाफ में इसका राइट आंसर है दो हजार बाईस पाकिस्तान एम टू सेंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन टू स्पेस बाई दो हजार बाईस नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अम्पोज थर्ड लॉ इन पाकिस्तान पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ जो है ये कब इम्पोज किया गया था इसका राइट आंसर जो ईयर पूछा गया था राइट ईयर है 1977 आफ्टर डिपोजिंग प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ऑन 5 जुलाई 1977 जियाउल हक डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड अपॉइंटेड हिमसेल्फ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चन है फर्स्ट अरब कंट्री मेंबर ऑफ एफ ए टी एफ एक्शन टास्क फोर्स अरब कंट्रीज में से पहला कौन सा इसका मेंबर बना था इसका राइट right आंसर है सऊदी अरेबिया ड्रिबलिंग एंड कंट्रोल इन विच गेम ड्रिबलिंग एंड कंट्रोल जो है इसके नियरेस्ट दो ऑप्शन है हॉकी है या सोसर है दिस क्वेश्चन इज नॉट स्टिल वेरीफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ नेचर इज स्टडी ऑफ नेचर इसको क्या कहा जाता है इसका राइट आंसर था एक्सलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है इसका मोस्ट जो एग्जैक्ट आंसर है वो लीवर है लेकिन इसके काफी क्वेश्चन देखने के बाद स्किन इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एज आ होल वाइल लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये जिस तरह स्टेटमेंट मिली है इसके मुताबिक मेरे पास जो राइट आंसर है वो स्किन बनता है लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है कि पेपर में किस स्टेटमेंट के जरिए क्वेश्चन आया था थैंक यू फॉर वॉचिंग अभी इसके सिर्फ यही क्वेश्चन मिले हैं इनशाला जैसे ही ब्या क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे आपको जो क्वेश्चन मेमोराइज हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा तो हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफ़ सी ओ आई सी जिसका एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इससे पहले ओ आई सी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा जाता था ये जो न्यू नेम है ये चेंज हुआ है जून 2011 में इनके पहले जो नाम था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था जून 2011 में इसका नाम तब्दील हुआ और इसको नाम कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1969 में रुबात में बनी रुबात कैपिटल है मोराको का फाउंडेड ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नाइनटीन सिक्सटी नाइन इसके जो टोटल मेंबर हैं ये हैं फिफ्टी सेवन लेकिन जिस वक़्त नाइनटीन सिक्सटी नाइन में बनी थी उस वक्त इसके फाउंडिंग मेंबर थे ट्वेंटी फाइव और जो करंट मेंबर्स हैं वो हैं फिफ्टी सेवन इसकी थ्री ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हो मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओ आई सी ये हैं थ्री हैं इन थ्री को भी आपने याद रखना है अरेबिक इंग्लिश एंड फ्रेंच और जो करंट सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओ हैं उनका नाम है हसन ब्राहम ताहा इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था सतारा नवंबर 2021 में हसन हुसैन ब्राहम ताहा से जो पहले थे उनका नाम था अल अल्स्मान जिनका तल्ल सऊदी अरबिया से था और जो हसैन ब्राहम ताहा है इनका तल्लक है छड ये अफ्रीकन कंट्री है और छठ का कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखिएगा छठ का कैपिटल है एन डाल के ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है ये है जद्दा सऊदी अरेबिया में इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मिथ है फर्स्ट स्मिथ इसकी जो हुई है 22 -25 से 25 सितंबर 1969 सिक्सटी में और जो सेकंड स्मिथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जाता है कि सेकंड स्मिथ ओ की किस कंट्री में हेल हुई थी या समाइम सिटी का भी पूछ लिया जाता है तो ये 22 से 24 फरवरी 1974 पाकिस्तान में हुई थी और पाकिस्तान के जो सिटी है लाहौर लाहौर में ये हेल हुई थी और इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री कब एक्सेप्ट किया था वो भी 1974 में ही एक्सेप्ट किया था एक तो वर्ल्ड वाइड प्रेशर था दूसरा इसी स्मिथ में भी ये कहा गया था कि आप जो है बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करें इसके बाद हम चलते हैं इसका जो करंट सेशन जो कि पाकिस्तान में हेल्ड हुआ है ये 48 एट सेशन ऑफ कौंसल ऑफ फॉरन मिनिस्टर है जो कि 22 से 23 मार्च 2022 को हेल्ड हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में और इसका जो फोर्टी सेवन सेशन था ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग लाज़मी याद रखिएगा फोटी सेवन सेशन ओ आई सी का ये हेल्ड हुआ है नया में रिपब्लिक ऑफ़ नाइजर और फोर्टी सेवन सेशन में ही जो इसके सेकटरी जनरल थे उनको इनके उहदा दे दिया गया था कि जो नेक्स्ट सेकट्री जनरल हैं वो हसैन ताहा होंगे लेकिन इन्होंने चार जो एज किया है ये सतारह नवंबर 2021 को ही किया है जो करंट एंड 48 सेशन ऑफ ओआईसी है इससे रिलेटेड जो मजीद क्वेश्चन याद रखने वाले हैं वो एक ये भी है कि ओआईसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चाइनीज फाइन मिनिस्टर जिसका नाम है वांग ही द स्पेशल गेस्ट एट द कॉन्फ्रेंस इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द ओ आई सी हिस्ट्री डेट चाइनीज फॉरन मिनिस्टर अटेंड इट्स फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग के मतलब फोर्टी एट में चाइनीज फॉरन मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया गया जो कि स्पेशल गेस्ट भी थे ओ आई सी के और इस मीटिंग में जो एजेंडा था एजेंडा ये था कि सिचुएशन इन पैलेस्टाइन इंडियन इ लीगली जम्मू एंड कश्मीर और जो थर्ड टॉपिक था वो था अफगानिस्तान इसके अलावा दूसरे टॉपिक भी डिस्कस किए गए हैं लेकिन ये जो तीन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाईलाइटेड हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ओ जो फोर्टी सेशन ऑफ ओ है इसका ये है कि इसका थीम क्या था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर्स का ये लास्ट में हिस्सा बनने वाले हैं इसका थीम था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट ये आपने पिक्चर ज़रूरी है देखी होगी न्यूज़ में भी ये बात चल रही थी तो जो लिखा हुआ था जहाँ पिक्चर थी उसके नीचे ही ये लिखा हुआ था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट दिस इज़ अ थीम फॉर द ओ आई सी फोर्टी एट सेशन जो कि इस्लामाबाद में हेल्ड हुआ है ये तमाम डिटेल ओ आई सी से रिलेटेड थी अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो के है यू एन जी ई के रिलेटेड यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से रिलेटेड